नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना का महत्व। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई अच्छी डील हो सकती है, लेकिन जब भी कोई आप डील करें यानी पैसों का लेन देन करें, ऑन दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपकी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो आपको सक्सेस दिलाएगी, छोटी छोटी सफलताएं दिलाती रहेंगी। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन के जितने भी जरूरी काम हैं उसको फर्स्ट हाफ में, दिन के पहले हिस्से में ही उसको निपटाने का प्रयास कीजिएगा। किसी बड़े बिजनेस मूव को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हर तरह के संवाद के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अक्सर हम गौ की बात करते हैं कि गौ को पालक खिलाइए, गुड़ खिलाइए, दोस्तों ये सब खिलाइए, लेकिन कभी भी प्लास्टिक मत खिलाइए। इतना इस अभी समाचारों के अंदर आ रहा है गौ माता कि किस तरीके से मृत्यु हो रही है। कोशिश कीजिए कि एक हम संकल्प करें और संकल्प ये हो कि हम प्लास्टिक को यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। जिस दिन हम प्लास्टिक को यूज करना बिल्कुल बंद कर देंगे, उस दिन हम मन से शायद गौ सेवा कर पाएंगे, कोशिश कीजिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से सारे काम स्वतः ही बनते रहेंगे। आज किसी से छोटी सी मुलाकात काफी इंपॉर्टेंस मीटिंग में बदल जाती है। बिजनेस के लिए आज कोई पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रीगंगानगर से रश्मि जी हैं, जो कि अपने पिताजी बलविंदर के लिए जानना चाहती हैं। बलविंदर जी की जन्म की तारीख है 21/12/1972 और उनके जन्म का समय सुबह का 10:30 का। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। रश्मि जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो जी बेटा, बोलिए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम बेटा, खुश रहिए। हमारे ना, हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं उनके, हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, हमें 2 साल हो गए हैं अलग हुए हुए। अच्छा, तो इसी चिंता में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, बीमार है, और थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए। अभी तक क्या काम कर रहे थे वो पहले? पहले तो हमारा यानी परिवार में काम था, जो व्यापार था, यानी ये आड़त वगैरह का काम था। अच्छा अच्छा। उसके बाद यानी हमारे पास यानी परिवार के जो मसले ही थोड़ा अलग था, तो इसलिए उन्होंने, हमारे पास कोई व्यापार रहा नहीं। तो आपके पिताजी कितने ब्रदर हैं बेटा?
तीन भाई हैं वो, और आपके फादर का कौन सा नंबर है? पहले हैं, बड़े हैं यानी सबसे वो। बड़े। ओके गुड, वेरी गुड। देखो रश्मि, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके फादर की जन्म कुंडली में 12th हाउस में राहु सूर्य की युति है। राहु सूर्य जब साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष जब घर में लगता है तो किसी बड़े के ऊपर या किसी छोटे के ऊपर आता है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपका, आपके पापा के परिवार के तीन पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, आपके पापा से पहले आपकी दादी के अबॉर्शन हुए हों, तो भी पितृदोष बन जाता है, साफ पितृदोष है। तो यदि जीवन में आपके फादर को सुख शांति समृद्धि चाहिए तो सबसे पहला काम तो पितृदोष की शांति। तो कैसे करें पितृदोष की शांति? अभी तो आप तुरंत प्रभाव से जिस भी घर में रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं रसोई के अंदर ईशान कोण में, पूरब उत्तर का जो कोना है, वहाँ पे जल भर के रखिए, मिट्टी का मटका भर के रखिए पानी से, और सुबह सुबह आपकी मम्मी को बोलिए कि वहाँ पे पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाए, और दीपक जला के प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हमारे घर में जो कमी है उसको दूर करें, अपना शुभ आशीर्वाद हमको प्रदान करके रखें। दूसरी जो बात है, आपके जो फादर हैं यदि अपना खुद का व्यापार शुरू करते हैं निश्चित तौर पे उनको बहुत सफलता मिलेगी। ये जो भी चीज़ें घटना घटित हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि इनका आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। कोई भी काम ये अगर स्टार्ट करें, या उधारी का काम जिसमें नहीं हो उस काम को छोड़ के अगर और कोई काम करें, फैंसी स्टोर डालें, कॉस्मेटिक आइटम का स्टोर डालें, लोहे से संबंधित काम करें, हार्डवेयर से संबंधित कोई शॉप डालें, 101% इनको सक्सेस मिलेगी। ही कैन बी अ गुड प्रॉपराइटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 महीने के अंदर स्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। पितृदोष की पूजा करें, नियमित रूप से इनको अपने हाथ से गाय को रोटी खिलानी, 21 दिन का तो नियम बांधना है, बाकी आगे भी कंटिन्यू करनी है, और 21 दिन तक गणेश जी भगवान के पास में कोई मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने हैं इनको। ये 21 डेज का नियम बांधिए, सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और अपना खुद का काम करने की प्लानिंग करें, और जब भी ये काम करें तो आप एक बार मेरे से वापस पूछ लीजिएगा, मैं नाम भी आपको बता दूंगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी हैं अलवर से, इनकी जन्म की तारीख है 3/11/1961 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 1:38 का। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी सुरेश जी, अपना सवाल कीजिए। पंडित जी राम राम। जय श्री राम बेटा। पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्या काम करते हैं आप? मैं बच्चों के कन्फेक्शनरी आइटम के टॉफी मिठाइयों की दुकान का काम करता हूँ। स्वास्थ्य में क्या दिक्कत होती है आपको? स्वास्थ्य बिहारी बीमारी लगी रहती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, बाइल्स, कभी ठीक नहीं रहता मैं। बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं क्या आप? नहीं, मैं जमीन में बैठ के खाना खाता हूँ। देखिए सुरेश जी, आपकी जन्म कुंडली में कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? पहला तो कालसर्प दोष बना हुआ है अष्टम भाव से। बीमारी का जो घर होता है, आयु का जो घर होता है, वहां पे चंद्रमा राहु का चंद्र ग्रहण योग बन गया। ये इंडिकेट करता है कि आपका हेल्थ सेक्टर जो है हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, एक दिन अच्छा एक दिन खराब, कभी एक दिन सुबह तो लगेगा तबीयत ठीक है, शाम को तबीयत खराब। दूसरा, आपके भाग्य स्थान में बुध और शुक्र दो ग्रह बैठे हैं। बुध तो है उच्च का और शुक्र है नीच का। जन्मपत्री के अंदर आयु स्थान का मालिक सूर्य भी नीच का है, गुरु भी नीच का है। 9 में से 3 ग्रह नीच क्या होना, कालसर्प दोष होना, निश्चित तौर पे आपको जो है बीमारी की अवस्था की तरफ ले जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, कालसर्प दोष की पूजा करवानी है, वजन के बराबर गुड़ लेके आपको गौशाला में जाना है और गायों को खिलाना है साल में एक बार, नियमित रूप से तांबे के कलश का पानी पीना है, घर में एक तांबे का मटका रख लीजिए, उसका ही पानी पीना है आपको, आरओ का पानी नहीं पीना है आपको, स्टील की चरी का पानी नहीं पीना है आपको, मिट्टी की मटकी का पानी नहीं पीना है आपको, तांबे की मटकी का पानी पीना है। ध्यान रखिए, हर शुक्रवार को एक 10 वर्ष से कम की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान कीजिए, 27 शुक्रवार ऐसा करिए। घर में केले का पौधा रखिए, उसके समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, रोज 11 बार परिक्रमा कीजिए, उससे आपके सेहत में विदिन 3 मंथ्स आपको बेहतरीन रूप से सुधार दिखाई देखने को मिलेगा। और सोते समय विशेष तौर पे आपका जो सिर हो वो पूरब दिशा में हो, पांव पश्चिम दिशा में हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। महुआ से राजा हैं, इनकी जन्म की तारीख है 26/11/1980। पंडित जी ने अपने जन्म का समय पता नहीं है, पर इनका कहना है कि सुबह का जन्म का समय है इनका, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ पता नहीं है लगभग। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए।
राजा अपना सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी, राम राम। जय श्री कृष्णा, राम राम। हाँ जी पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी? मेरी एज हो चुकी है 33 साल और मैं टीचिंग लाइन में हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। देखिए राजा जी, आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। बुध और शुक्र की युति ये कहती है कि निश्चित तौर पे आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा के साथ बैठ के ग्रहण योग बना रहा है, कालसर्प दोष बना रहा है। सबसे पहला काम तो यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाले समय में नासिक या उज्जैन चले जाइए, सर्प दोष की एक बार पूजा करा लीजिए। दूसरा जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि आपको 40 दिन का सुंदरकांड का नियम लेना है। 40 डेज तक आप सुंदरकांड को प्रतिदिन करें। हमारे हिसाब से विदिन ए 6 मंथ आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आपके योग बने हुए, अगर कुछ ऑप्शन हो ओवर एज होने के बाद में भी, लेकिन ऑप्शन है, सरकारी नौकरी के योग हैं। ये जो हमने सरल उपाय आपको बताए ये अवश्य कीजिएगा। चलिए दर्शकों, अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अच्छा यही रहेगा कि जो चीज जैसी है ठीक उसे वैसी ही रहने दीजिए। जिंदगी लाइफ आज बहुत सिंपल रहेगी, आसान रहेगी। ध्यान रखिएगा, मन से की गई, दिल से की गई हर कोशिश आज सफल हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ऐसे कामों को निपटाने का है जिन्हें आप बहुत समय से टालते चले आ रहे हैं। दिन के फर्स्ट हाफ में कोई रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है और पहले से प्लान किए गए काम जो है वो आज आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ जल में मिला के और उससे अर्घ प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक के काम काज में आज सुधार होगा, खर्चा अधिक होगा लेकिन पूर्ति भी उतनी हो जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसा कमाने में कोई शॉर्टकट काम में मत लीजिएगा अन्यथा उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।